हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं उमरगांव, दमन से उमरगांव बाय रोड। तो आज हम आपको फुल व्लॉगिंग दिखाएंगे दमन से लेके उमरगांव का सफ़र। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए हमारा ये सफ़र उमरगांव का। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो हमारे घर के सामने शादी लगी हुई है, इसलिए मैंने अपनी कार को अपनी बहन के घर पर छोड़ के आया हूँ। तो चलते हैं हमारी बहन के घर पे और हम लेते हैं अपने कार को, और कार लेने के बाद हम रवाना होंगे उमरगांव के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को अंत तक देखो। और फ्रेंड्स, अब उमरगांव जाने से पहले हमने डिसाइड किया है बीच में एक बहुत प्रसिद्ध बजरंग बली का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद हम उमरगांव के लिए निकलेंगे। सो चैनल में बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे बजरंग बली का प्रसिद्ध मंदिर कलगांव मंदिर इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं अपने बहन के घर पर, ये है मेरी बहन का घर। तो यहाँ से हम गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेके रवाना होते हैं उमरगांव की तरफ। तो वीडियो में बने रहिए। ये है मेरी बहन का घर और मैंने अपनी गाड़ी पार्क करके रखी है यहाँ पे। तो ये है वरना फ्लूडिक जिसका आज हम सफ़र करेंगे। हम अपने गाड़ी को निकाल रहे हैं, अभी आप जैसे देख रहे हैं निकालने के चक्कर में। अच्छी हमारी गाड़ी, सो फ्रेंड्स हम उमरगांव के लिए निकल रहे हैं। और पहले उमरगांव से निकलने से पहले हमने सोचा कि गाड़ी में थोड़ा हवा चेक करवा लेते हैं। छोटू है हमारा, जो हम इधर से ही मोस्ट ऑफ गाड़ी में हवा भरवाते हैं, नाइट्रोजन गैस गाड़ी में भरवाते हैं, जिससे कि गाड़ी हल्का और टायर भी लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। तो ये हवा भरवाने के बाद हम निकलेंगे सफ़र पे अपने। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा अंत तक देखना। और तो हम जा रहे हैं अभी मोड़ी दमन से हमारा रास्ता है उमरगांव के लिए। तो ये हम मोड़ी दमन ब्रिज क्रॉस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है मोटी दमन का ब्रिज। ये ब्रिज नानी दमन और मोटी दमन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इसके नीचे दमन गंगा है जो नानी दमन और मोटी दमन को दो पार्ट में डिवाइड करके रखता है, और ये राजीव गांधी सेतु इस ब्रिज का नाम है जो दोनों को इंटरकनेक्ट करके रखता है। देख सकते हैं यहाँ पे चारों ओर तालाब है, तालाब में बहुत ही अच्छा व्यू पौधा है। ये हमारी गाड़ी वरना फ्लूडिक। तो आते हैं, हम पीते हैं नारियल का पानी। तो फ्रेंड नारियल पानी पीने का मजा। तो फ्रेंड्स, हम उमरगांव जाने से पहले बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बजरंग बली का पड़ता है कलगांव मंदिर। तो हम वहाँ पे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे उमरगांव के तरफ। तो ये है कलगांव का रास्ता जहाँ पे हमने टर्न ले लिया।
कहते हैं कि यहाँ पे बजरंग बली एक पेड़ के अंदर से निकले हैं, और शनिवार के दिन खास करके यहाँ पे बहुत ही भीड़ और मेला लगता है। तो आइए हम पहले बजरंग बली जी का दर्शन करते हैं। और बजरंग बली के मंदिर के सामने ही है श्री राम जी का मंदिर, वहाँ भी हम जाएंगे और आपको बताएंगे पूरा वीडियो। बकरियों के झुंड को हम पीप करेंगे। बकरियां हटो, ये है बजरंग बली का मंदिर। ये मंदिर में हम आपको दिखाएंगे बजरंग बली कैसे पेड़ के अंदर से बाहर निकले हैं। कल गांव का मंदिर, तो हम चलते हैं मंदिर में। तो चलिए मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। जैसे मैंने बताया राम मंदिर है, डीसी के पास है हमारे बजरंग जी की मंदिर। फ्रेंड ये है कलगांव मंदिर। मंदिर के अंदर का दृश्य बहुत ही सुंदर है, लेकिन अंदर अलाउड फिलहाल फोटोज अलाउड नहीं है, इसकी वजह से हमने अंदर फोटोज लिए नहीं। बाकी हम बाहर से आपको मंदिर का पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स हम निकल रहे हैं मंदिर से और उमरगाम की तरफ, तो बहुत ही शांति लगा मंदिर में आके, मन एकदम शांत फील हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं उमरगाम के सफ़र में। उमरगाम बस यहाँ से कुछ ही दूर है, आई थिंक 15 किलोमीटर्स। फ्रेंड हम उमरगाँव जस्ट पहुँचने ही वाले हैं, सो पहुँच के आगे का हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ये है उमरगाँव पहुँचने से पहले एक ब्रिज आता है, ये ब्रिज के सामने आपको बहुत ही एक सुंदर दृश्य दिखाई देगा। यहाँ से बहुत ही सुंदर सनसेट शाम के समय पे दिखा जा सकता है। ये नदी है जो जाके डायरेक्ट समुद्र में मिलती है, और शाम के समय पे यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक सनसेट व्यू आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स ये हम उमरगाँव के पास पहुंच चुके हैं। ये है स्टैच्यू ऑफ वल्लभ भाई पटेल। ये तो आगे बढ़ते उमरगाँव के अंदर,
फ्रेंड हम उमरगांव पहुंच गए हैं। अब उमरगांव में पहुंचते ही एक नदी के बीच में शंकर भगवान की बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई गई है, हम उनके दर्शन करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम उमरगांव पहुंच चुके हैं और ये है उमरगांव में तालाब के बीच में शंकर भगवान का मंदिर। तो चलिए हम इधर ही अपना वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नए वीडियो में।